हेलो दोस्तों जी, देखिए कढ़ाई मेरी ज़्यादा गर्म हो गई थी तो इसलिए गैस को बिल्कुल मंदा रखें। उसमें कढ़ाई में मैंने डाला सरसों का तेल, प्याज, लहसुन और ये हरी मिर्च, इसको थोड़ा भून लिया है। इसके बाद इसमें मैंने डाला एक टमाटर, वो ज़्यादा ना ज़्यादा पतला काटा ना ज़्यादा मोटा, मतलब मीडियम से ही काट के मैंने डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे फ्रोज़न मटर है, ये मैंने डाल दी है, थोड़ी डाली है क्योंकि मैं जो भी डिश बना रही हूँ उसमें थोड़ी ही की ही ज़रूरत है। और इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे और इसको ये साथ साथ इसमें ये मसाला है, हक्का नूडल्स मसाला है, आप कोई भी मसाला डाल लीजिए जो भी आपको नूडल्स वाला मसाला पसंद हो। तो चाहे तो इसमें मैगी मसाला भी आप डाल सकते हो। और मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ जो मसाला मैं इसमें नूडल्स वगैरह में डालती हूँ वही बता रही हूँ। चाहे तो आप घर के मसाले भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये मसाला जी भून गया है और इसमें अब डाल देंगे हम पानी। पानी हम डालेंगे 1 गिलास, आधा आधा गिलास करके मैंने 2 बार डाल दिया है। और इसमें ये रोस्टेड ये सेवैया मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए टुकड़ा है सेवैयों का, आप चाहे तो इसके एकदम लंबी लंबी वाली भी सेवैयाँ आती हैं वो भी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से चला लेंगे। और दोस्तों इसको मैं ढक कर पकाऊँगी मैं इसको 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद चेक करेंगे, ये देखिए जी उबलना शुरू हो गई है। और इसको बिल्कुल गैस को बिल्कुल मंदा रखा हुआ है। इसके बाद फिर दोबारा ढक के 5 मिनट पका के ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। और उसके बाद ये देखिए जी, ये बन के हो गई रेडी हमारी मसाला वाली स्पाइसी सी है सेवैया, या इसको नूडल्स भी बोल लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। और ये इवनिंग का स्नैक्स हमारा हो गया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये कैसी मेरी रेसिपी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और एक बार ज़रूर बना के खाना, मेरे कहने से दोस्तों मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। धन्यवाद।